ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମାନବବାଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ ନିୟମର ପ୍ରତୀକ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି ଧର୍ମ ଧାରାର ଉତ୍ସ। ସନାତନ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସମାଜକୁ ଏକତ୍ଵ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ମଣିଷ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ମାନବବାଦର ଏହି ମହାନ ଧର୍ମ ଅଛି ଘୋର ବିପଦରେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ଏକାଠି ହେବାର ଆସିଯାଇଛି ସମୟ। ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତରେ ସନାତନକୁ ପୁଣି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସନାତନର ଶିକ୍ଷା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ବ୍ରହ୍ମନ୍ତ୍ର ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हेले यहाँ एवं सनातन विरोधी को सहजे हजम हो पार ना। रक्त चाउल चोबाइला परी सनातन विरोध में विश्व उगाड़े लागी पड़ी देशर गोटे नुआ गोष्ठी ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଅହରହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସନାତନକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ସନାତନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन
तहस नहस करना चाहता है। प्रधानमंत्री कहते सनातन विरोध में विरोधी रचुंट सुचिंतित षड्यंत्र किसी राजनेता समाज को बांटा चेष्टा करंडिया मेट को निशाना बनाई पीएम मोदी सनातन विरोधी मंतव्य भारतीयों आस्था उपर आटाक बोली पीएम मध्यप्रदेश में आयोजित रैली उद्बोधन देवा बेले पीएम कहते सनातन धर्म को विलुप्त कर देश को हजार वर्ष तलर दासत्व आड़ फेर ने चाहते यहाद्वारा घमंडिया मेटर असली चेहरा एवं पदा को आसी इंडिया मेट उपर सीधा हमला कर पीएम मोदी। ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। इंडिया मेटो को हमंडिया मेटो कही तात्सल्य करथवा बेले मोदी सनातन धर्म कथा भी उठाई छंती। अहंकारी मेटो सनातन धर्म नष्ट करि देबाकू चाहंती। अल्प केतक संगठन देश और समाज को भाग करने को उद्यम करछंती। इंडिया मेट रे एकत्र होइछंती। भारतीय संस्कृति उपर आक्रमण करने पर मध्य सेमाने गुप्त योजना रचुछंती। सनातन संस्कृति विलोप करने लगी इंडिया मेट प्रतिबद्ध होइछि। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सेपटे सारा विश्व रे सनातन धर्म अनेकों पर प्रेरणार उत्स हो आसी। सनातन धर्म को विलोप करार आह्वान समस्त सीमा अतिक्रम कर पीएम एवं कहते आह्वान को चैलेंज नक छड़ा ना। जो मैंने एवं अबाधर सनातन धर्म को समालोचना कले आसंता का आहरी बेसी समालोचना करे। देशर समस्त सनातनी और देश को श्रद्धा करुवा लोक सजग रहा पड़ो। आम एभली लोक बाधा देवा उचित बोली देशवासी को सतर्क कराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।